नमस्कार मित्रों, धर्म पूजा पाठ चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और मां भगवती आदि शक्ति को मनाएं, कोरोना को भगाएं। जो महामारी कोरोना नामक आई है उसे हम भगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको संवत्सर नवीन संवत्सर श्री आनंद नामक संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करने की विनती है। आइए जानते हैं मुहूर्त। चौघड़िया के अनुसार लाभ का चौघड़िया है 6:39 से 8:10 तक। उसके बाद में अमृत का चौघड़िया है 8:10 से 9:41 तक। शुभ का चौघड़िया है 11:13 से 12:44 तक। इन चौघड़िया के अनुसार आप इन शुभ मुहूर्तों में माँ भगवती की आराधना करें, प्रार्थना करें, सभी के जीवन में आरोग्यता हो, सभी निरोगी रहें, इस प्रकार की प्रार्थना करें। और ये जो चौघड़िया का समय है मुंबई के अनुसार दिया गया है, ठाणे महाराष्ट्र के अनुसार दिया गया है। इसमें अपने शहर गांव के हिसाब से इसे थोड़ा कम ज़्यादा करें। और इसके बाद में आपका मुहूर्त जो है लग्न के हिसाब से देखने जाएंगे। हमने लग्न में सिर्फ एक लग्न का मुहूर्त दिया है। लग्न के मुहूर्त देखते समय अपने नाम से 4-8-12 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं वृषभ लग्न, जो सुबह 9:25 से लेकर 11:25 तक है। इस वृषभ लग्न में भगवती की स्थापना करें और प्रार्थना करें कि आरोग्यता हमारे जीवन में रहे। और इसके बाद में आपसे विनती है कि अपने सुरक्षा के लिए दुर्गा कवच, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान कवच, किसी भी प्रकार के कवच का पाठ करें। अपने आराध्य जिसको भी आप मानते हो उनका कवच का पाठ करें कि आपकी आरोग्यता बनी रहे। ये कवच ही आपकी रक्षा करते हैं। और महामारी विनाश के लिए ये जो मंत्र स्क्रीन पे दिया गया है दुर्गा सप्तशती के यहाँ से लिया है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये महामारी विनाश के लिए प्रार्थना करें। दूसरा मंत्र विश्वव्यापी विपत्ति के लिए दुर्गा सप्तशती में दिया है। ओम देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ भगवती आप प्रसन्न होइए और चराचर जगत की रक्षा करें। अब कई लोगों की उत्सुकता है कि ये महामारी कब तक चलेगी, तो इसलिए हम थोड़ा कोरोना के बारे में आपको बता रहे हैं। इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु राहु जब तक आद्रा नक्षत्र में रहेंगे तब तक ये महामारी संपूर्ण तरीके से वश में होने वाली नहीं है। कुछ न कुछ इसमें विश्व में व्याप्त ही रहेगा। हाँ, परंतु सूर्य जब मेष राशि में अप्रैल में आ जाएंगे तो कुछ हद तक इस पर काबू पा लिया जाएगा। इसलिए आप भगवती की आराधना करते रहें, नाम जपते रहें, इष्ट देव को याद करते हुए घर में ही बने रहें। मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।